In this lecture, we will continue the calculation of air fuel ratio prepared by the carburetor. So for calculating the air fuel ratio prepared by the carburetor, we need the mass flow rate of air and mass flow rate of fuel. In the last lecture, actual mass flow rate of air हमने जो मास फ्लो रेट एयर का था वो फाइंड आउट कर लिया था. अब मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हमें फाइंड आउट करना है, एम डॉट एफ, और फिर इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो मास फ्लो रेट जो एयर फ्यूल रेशियो है कार्बोरेटर के द्वारा जो प्रिपेयर हो रहा है वो फाइंड आउट हम इजीली कर पाएंगे. तो अभी हमें फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल. मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हमें फाइंड आउट करना है. तो जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल है, यानी कि यहाँ से जो मास फ्लो रेट फ्यूल का बाहर आ रहा है वो कितना होगा, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा, एएफ, रोएफ और सीएफ टू. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एएफ, यानी कि ये हम इसको बोल सकते हैं फ्यूल का एरिया एट सेक्शन वन एट सेक्शन टू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के लिए इक्वेशन, वो हो जाएगी ए वन रो वन एंड सी एफ वन इज इक्वल्स टू ए टू रो टू एंड सी एफ टू. ठीक है, तो हमने इसमें से वन वाली कंडीशन नहीं चुनी है, टू वाली कंडीशन चुनी है. अब इसमें हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वन कंडीशन कहाँ है और टू कंडीशन कहाँ है. देखिए, जब हमने एयर फ्यूल रेशियो निकालने के लिए मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकाला तो मास फ्लो रेट एयर का जो एयर फ्लो हो रही है वो यहाँ से फ्लो हो रही है, इस तरह से एयर फ्लो हो रही है. तो इसलिए जो ये वेंचुरी मीटर है इसका जो इनलेट सेक्शन है उसको हमने पॉइंट वन माना था, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है जहाँ पे वेंचुरी थ्रॉट है इसको हमने टू पॉइंट माना था. तो जहाँ से एयर फ्लो हो रही है उसके लिए वन और टू पॉइंट ये होगी. लेकिन जो फ्यूल फ्लो हो रहा है, फ्यूल कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्यूल इस फ्लोट चैम्बर से और इस नोजल के थ्रू यहाँ पे फ्लो हो रहा है. ठीक है, इसलिए ये वाला जो सेक्शन रहेगा फ्यूल के लिए, जो हम जहाँ से फ्लो हो रहा है उसके लिए हम लेंगे इसको. तो फ्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ये फ्लोट चैम्बर के अंदर जो है ये जो हो जाएगा, दिस विल बी द पॉइंट वन एंड दिस विल बी द पॉइंट टू. यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा पॉइंट टू. तो फ्यूल जहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्यूल फ्लो होने की कंडीशन में वन पॉइंट जो हम लेंगे वो फ्लोट चैम्बर के अंदर इस पॉइंट का लेंगे और टू पॉइंट इस पॉइंट का लेंगे. तो जब हम मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकाल रहे हैं तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकालने के लिए यहाँ पे हम टू वाली कंडीशंस का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ए टू, ए टू हमने एयर के लिए भी यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे जो एरिया है उसको हमने ए एफ ले लिया, जो यहाँ एयर जो फ्यूल की डेंसिटी है उसको हमने रो एफ ले लिया, और जो फ्यूल की वेलोसिटी है उसको हमने टू पॉइंट पे सी एफ टू ले लिया, फ्यूल की वेलोसिटी. ठीक है, तो यानी कि टू पॉइंट हमने कहाँ लिया, इस फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के आउटलेट पे टू पॉइंट लिया है और इस फ्लोट चैम्बर के वन पॉइंट पे हमने इसका इनलेट लिया है. ठीक है, तो इस वन और टू पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इसका जो एरिया होगा ए एफ, ए एफ एरिया जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर फ्यूल के लिए. ठीक है, और यहाँ पे जो एयर के लिए हमने एरिया यूज़ किया था दैट इज़ डी टी. डी टी क्या था, थ्रॉट का एरिया. तो डी टी जो है थ्रॉट का एरिया, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू द फ्यूल डिस्चार्ज नोजल का जो एरिया है. ठीक है, तो डी एफ विल बी वेरी वेरी लेस देन टू डी टी. तो एरिया तो फाइव बाई फोर डी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर हो जाएगा. डेंसिटी रो एफ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, लिक्विड फ्यूल है तो रो एफ ऐसे ही यूज हो जाएगी. तो हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड आउट करना है सी एफ टू. तो सी एफ टू फाइंड आउट करने के लिए हम वन पॉइंट और टू पॉइंट के बीच में एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में फ्यूल है इसका मतलब फ्यूल को हम इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकते हैं, और इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकते हैं इसलिए एनर्जी इक्वेशन को हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की टर्म्स में यूज़ नहीं करेंगे, उसको बर्नौलीज इक्वेशन की टर्म्स में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन का अजम्पशन ये होता है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. तो इसीलिए यहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, एयर के लिए बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज एयर इज़ ए कंप्रेसिबल. तो बिटवीन पॉइंट वन एंड टू के लिए जब हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, पी वन अपॉन रो एफ
ये क्या हो जाएगा, पी वन अपॉन रो एफ जी प्लस सी एफ वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो एफ जी प्लस सी एफ टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस फ्लोट चैम्बर पे हमने लिया है पॉइंट वन, तो पॉइंट वन का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेंट खोला हुआ है, इस वेंट की वजह से हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। तो पी वन का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे फ्यूल की वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि स्टेशनरी फ्यूल है फ्लोट चैम्बर में, तो फ्यूल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फ्यूल की वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। प्लस जेड वन, जेड वन किसकी हाइट है, यहाँ वाली, इस वाली लाइन की हाइट है, जो फ्लोट चैम्बर में जो लेवल है उसकी हाइट है जेड वन। प्लस पी टू स्क्वायर, पी टू अपॉन रो एफ जी, पी टू अपॉन रो एफ जी। पी टू कहाँ का प्रेशर है, इस पॉइंट का, जब फ्यूल डिस्चार्ज नॉजल से बाहर आ रहा है फ्यूल, उस पॉइंट का प्रेशर है पी टू। प्लस सी एफ टू, वहाँ की वेलोसिटी, सी एफ टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। जेड टू कहाँ है, जेड टू वो पॉइंट है जहाँ पे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये फ्यूल डिस्चार्ज नोजल पे जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, ये टू पॉइंट है, और ये नीचे वाला उसका ये वन पॉइंट है, जहाँ पे आपका फ्लोट चैम्बर का लेवल है वन पॉइंट, और वन पॉइंट और टू पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है जेड, यानी कि ये टू पॉइंट है तो जेड टू, ये वन पॉइंट है माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सी एफ वन तो जीरो हो गया, अब पी टू को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू अपॉन रो एफ जी माइनस जेड, जेड क्या है यहाँ पे, जेड वन माइनस जेड टू। तो जब इस जेड टू को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू, और जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड है, जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड, तो जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जेड आ गया, इज इक्वल टू आर एच एस में सी एफ टू स्क्वायर अपॉन टू जी को हमने ऐसे लिख रहने दिया, तो सी एफ टू स्क्वायर अपॉन टू जी को ऐसे लिखने दिया। तो यहाँ से जो वेलोसिटी सी एफ की वैल्यू आएगी, सी एफ टू की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, दैट विल बी सी एफ टू इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा, अंडर रूट टू की उधर मल्टीप्लाई होगी और जी की उधर मल्टीप्लाई होगी, तो टू की मल्टीप्लाई में टू तो पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट टू ब्रैकेट पी वन माइनस पी टू अपॉन रो एफ और माइनस जी जेड। तो ये जो वैल्यू है वो सी एफ टू की वैल्यू आ गई, सी एफ टू इज द वेलोसिटी एट फ्यूल डिस्चार्ज नोजल एट पॉइंट टू, यहाँ पे हम देखें अगर तो, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की वैल्यू है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज ए एफ रो एफ सी एफ टू, तो ए एफ रो एफ को तो ऐसे लिख रहे दिया, और सी एफ टू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, टू अंडर रूट टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो एफ माइनस जी जेड। ठीक है, तो m डॉट f की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, m डॉट f की वैल्यू रो एफ ए एफ अंडर रूट टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो एफ माइनस जी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रो f वाली टर्म है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो f वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए रो f स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, रो f मल्टीप्लाइड बाई रो f। ठीक है, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू अंडर रूट रो एफ मल्टीप्लाइड बाई रो एफ। ठीक है, तो ये जो रो एफ बाहर में रो एफ है, इस बाहर वाले रो एफ को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो अंडर रूट के अंदर, तो ये रो एफ मल्टीप्लाइड बाई रो एफ हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये वाला जो रो एफ है इसको तो हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया यहाँ पे, और जो दूसरा वाला रो एफ था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये वाला जो रो एफ था इससे कैंसिल हो जाएगा, और P1 वन यहाँ पे बचेगा P1 वन माइनस पी टू, और यहाँ पे इस रो एफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा रो एफ जी जेड। तो मास फ्लो रेट आ गया ए एफ अंडर रूट टू रो एफ P1 वन माइनस पी टू माइनस रो एफ जी जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब एक्चुअल जब निकालेंगे तो थियोरेटिकल मास फ्लो रेट आया है, जब एक्चुअल मास फ्लो रेट निकालेंगे तो एम डॉट एफ एक्चुअल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एफ सी डी एफ अंडर रूट टू रो एफ P1 वन माइनस पी टू माइनस रो एफ जी जेड। यहाँ पे सी डी एफ क्या है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, दिस इज कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फ्यूल डिस्चार्ज नोजल।
तो फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, और एयर के लिए जो सी डी ए हमने यूज़ किया था, सी डी ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी थ्रॉट, तो वो वेंचुरी मीटर के लिए था, और ये जो है वो फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के लिए। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो भी डिफरेंट हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं मास फ्लो रेट, सॉरी एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर एक्चुअल अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एक्चुअल। मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमने फाइंड आउट किया था, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हमने फाइंड आउट कर लिया है, जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1562 सी डी ए अपॉन सी डी एफ, ए टू अपॉन ए एफ, पी वन फाइव, फाइव की वैल्यू, ठीक है, फाइव की जो वैल्यू ली थी हमने अंडर रूट में प्रेशर की टर्म्स में वही रहेगी। तो पी वन फाइव अंडर रूट में टू रो एफ पी वन माइनस पी टू माइनस रो एफ जी जेड। तो ये आ गई है हमारी फाइनल एयर फ्यूल रेशियो की वैल्यू, एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइडेड बाई द कार्बोरेटर, एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइडेड बाई द कार्बोरेटर, ठीक है। दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइडेड बाई द कार्बोरेटर, उसकी ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर इस जो इक्वेशन से, ये जो एयर फ्यूल रेशियो की जो इक्वेशन आई है यहाँ पे, इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो इस इक्वेशन से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो फाई की जो इतनी लंबी चौड़ी टर्म्स हैं, तो इस वाली जो ये वाली जो इक्वेशन है इससे हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो एयर फ्यूल रेशियो की ये जो इक्वेशन है, दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ अजम्पशंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो एयर के लिए मास फ्लो रेट ऑफ, हमने जो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ एयर की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, 0.1562 वाली टर्म में, वो हमने निकाली थी एज्यूमिंग एयर इज ए कंप्रेसिबल फ्लूड। तो अगर हम एयर को भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मान लेते हैं, तो उस केस में जो वैल्यू होगी क्या होगी, जो एयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रो ए ए टू एंड सी टू, ठीक है। अब यहाँ पे रो ए कांस्टेंट हो गया, जो पहले हमने लिया था रो वन और रो टू जिसको हम ले रहे थे वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकम्प्रेसिबल मान लेंगे तो, और दूसरा चेंज क्या आएगा, ए टू तो वैसे ही रहेगा, ए टू विल बी पाई बाई फोर डी स्क्वायर या डी डी स्क्वायर थ्रॉट का डायमीटर। सी टू जो वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी इक्वेशन से। अब चूंकि एयर को भी हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूड एज्यूम कर लिया है, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम वन और टू पॉइंट, एयर के लिए जो वन और टू पॉइंट थे वहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो जब बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा पी वन अपॉन रो ए जी प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्व टू पी टू अपॉन रो ए जी प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन। तो जो एयर जो वेंचुरी मीटर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसलिए जेड वन और जेड टू कैंसिल आउट हो गए। सी वन की जो वेलोसिटी एटमॉस्फेयर से आ रही है उसको हम कंपेयर टू द सी टू नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसलिए सी वन को भी हमने जीरो कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा अगर हम सी टू की वैल्यू को निकालते हैं तो जी से इधर जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो ए। सी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो ए, तो कितनी आ जाएगी, टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो ए, ये आ जाएगी सी टू की वैल्यू। अब इस वैल्यू को जब हम इधर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मास फ्लो रेट ऑफ एयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो ए, ए टू और सी टू की वैल्यू को पुट कर दिया, अंडर रूट टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो ए। रो ए को अगेन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से जैसे हमने फ्यूल के लिए मल्टीप्लाई किया था, रो ए विल बी अंडर रूट रो ए मल्टीप्लाइड बाई रो ए, ठीक है। तो एक रो ए को ऐसे ही रहने देंगे और दूसरा रो ए की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो कैंसिल हो जाएगा, रो ए बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, रो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये जब अंदर आएगी तो ये रो ए स्क्वायर हो जाएगी, तो एक रो ए स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज इक्वल टू ए टू अंडर रूट टू रो ए पी वन माइनस पी टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल जब मास फ्लो रेट ऑफ एयर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी से इसको मल्टीप्लाई जाएगी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एयर। तो एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जब हमें फाइंड आउट करना है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को सी डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी डी ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमने ये निकाल लिया, एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। ये वाली जो इक्वेशन थी ये एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि अब हमें फाइंड आउट करना है एयर फ्यूल रेशियो एज्यूमिंग एयर इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्यूल, एज्यूमिंग एयर इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्यूल। तो एम डॉट ए की वैल्यू ये वाली और एम डॉट ये वाली वैल्यू और एम डॉट एफ की वैल्यू ये वाली वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए टू अपॉन ए एफ, ए टू अपॉन एफ, सी डी ए अपॉन सी डी एफ, तो यहाँ पे आ गया सी डी ए अपॉन सी डी एफ, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में टू रो ए पी वन माइनस पी टू, तो अंडर रूट में टू रो ए पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई टू रो एफ, तो टू से टू यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी टू आता और यहाँ पे भी टू आता, तो उन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, रो ए रो एफ पी वन माइनस पी टू माइनस जी जेड, ये वाली जो इक्वेशन है वो, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाली ये जो इक्वेशन है वो फाइनल इक्वेशन हमारी निकल के आ गई है, यहाँ पे एम डॉट ए अपॉन एम डॉट एफ यानी कि एयर फ्यूल रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, ए टू अपॉन ए एफ सी डी ए अपॉन सी डी एफ अंडर रूट में रो ए पी वन माइनस पी टू अंडर डिवाइडेड बाई अंडर रूट रो एफ पी वन माइनस पी टू माइनस जी जेड। अब ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, देखिए मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अंडर रूट में एक टर्म आ रही है, अंडर रूट में टू रो एफ पी वन माइनस पी टू और माइनस रो एफ जी जेड, ठीक है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन में ये पी वन माइनस पी टू विल बी ग्रेटर देन होगा रो एफ जी जेड, ठीक है, ग्रेटर देन होगा रो एफ जी जेड, तब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर में ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर पी वन माइनस पी टू वाली जो टर्म है वो रो एफ जी जेड से कम हो गई, इफ पी वन माइनस पी टू इज लेस देन रो एफ जी जेड, अगर ये टर्म इससे कम हो गई तो यहाँ अंडर रूट में तो ये निगेटिव टर्म आ जाएगी। निगेटिव टर्म आने का क्या मतलब है कि दिस इज इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब कि मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की कुछ वैल्यू ही नहीं आएगी, और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की कुछ वैल्यू ना आने का मतलब क्या है, दैट द फ्यूल विल नॉट डिस्चार्ज थ्रू द फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, ठीक है। इसका मतलब फ्यूल जो है वो फ्लो ही नहीं होगा, अगर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि फ्यूल जो है वो फ्लो ही नहीं हो रहा है, फ्यूल डज नॉट फ्लो। तो एयर फ्यूल मिक्सचर विल कम थ्रू आइडलिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो आइडलिंग एडजस्टमेंट में से आएगा, क्योंकि कार्बोरेटर में देखा एक आइडलिंग एडजस्टमेंट है। तो ऐसा जो है पी वन माइनस पी टू जब रो एफ जी जेड से कम होता है उस केस में फ्यूल आएगा ही नहीं, या फिर अगर इंजन स्टार्ट है तो आइडलिंग रेंज है, अगर आइडलिंग रेंज में है तो आइडलिंग एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है, दिस इज इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इफ पी वन माइनस पी टू, इफ पी वन माइनस पी टू इज लेस देन रो एफ जी जेड देयर विल बी नो फ्लूइड फ्लो एंड दिस कैन हैपन एट वेरी लो एयर फ्लो एज द एयर फ्लो इंक्रीजेस पी वन माइनस पी टू इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे एयर फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पी टू कम होगा, पी टू जो है वो डाउन होगा, पी वन तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, पी वन इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो पी टू जो है वो डाउन होगा, अगर पी टू डाउन होगा तो पी वन माइनस पी टू जो है वो इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा, क्योंकि पी टू डाउन हो रहा है, यहाँ पे पी टू डाउन होगा, पी वन फिक्स है, तो पी वन माइनस पी टू इंक्रीज होगा, और पी वन माइनस पी टू इंक्रीज होगा तो पी वन माइनस पी टू इंक्रीज होगा तो पी वन माइनस पी टू ग्रेटर देन हो जाएगा रो एफ जी जेड से, देन फ्यूल फ्लो बिगिंस एंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिफरेंशियल प्रेशर पी वन माइनस पी टू, ठीक है। एट हाई फ्लो रेट्स क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रेट होगा, तो उस हाई फ्लो रेट के केस में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रेट होगा यानी कि पी वन माइनस पी टू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में पी वन माइनस पी टू इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रो एफ जी जेड, क्योंकि देखिए रो एफ जी जेड, अब रो एफ की वैल्यू मान लो 800 होगी डेंसिटी, जी की वैल्यू 9.81,
और जेड की वैल्यू जो है वो तो बहुत ही कम है, एमएम में है, यानी कि सपोज मान लो कि 5 × 10⁻³, तो ये जो वैल्यू है वो बहुत कम आएगी एज कम्पेयर टू द प्रेशर। प्रेशर तो अगर एक बार भी है, वन बार भी है, तो भी वो 10⁵ की रेंज में है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। तो जब लार्ज मास फ्लो रेट होगा, पी वन माइनस पी टू बहुत ज़्यादा होगा, तो रो एफ जी जेड वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो उस केस में जो एयर फ्यूल रेशियो बनेगा, एयर फ्यूल रेशियो वो कितना हो जाएगा, सी डी एफ अपॉन सी डी एफ, ए टू अपॉन ए एफ, रो ए अपॉन रो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, एयर फ्यूल रेशियो इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, प्रेशर जो है इसमें कम हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू इंक्रीज होगा, रो डिक्रीज होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर बिकम्स रिच। उस केस में क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अपने आप ही रिच हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एयर फ्यूल रिच प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोरेटर।